जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के कुछ कर्मचारी लोग धरना पे बैठे हैं 4 दिनों से। इनका कहना है कि सरकार पुराने एम्प्लॉय को हटा के नया बहाली कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका और क्या कहना है। इन लोगों की समस्या को हमने सुना है रंजना, और बहुत बेईमानी हुआ है इन लोगों के साथ, नहीं होना चाहिए। ये शुरू से जो व्यक्ति काम किया, आज आप वहाँ पर किसी को, आप बाहरिया को, बाहरिया या किसी को भी आप बहाल कर रहे हो, जब ऑलरेडी काम कर रहा है तो फिर बहाल करने की क्या जरूरत है। अभी जैसे कि मैम, अभी हमने देखे कि हमारे बीच में लेबिंग हमारे सर भी आए हुए थे, हम लोग को बहुत अच्छा आश्वासन दिया गया कि क्योंकि हम लोग को, आप लोग को भी जान रहे कि हम लोग यहाँ पे 44 दिन तक हम लोग धरना में बैठे हुए थे, और हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग धरना को समाप्त कर दीजिए, आप लोग को बहाली नहीं किया जाएगा, जो पुराना लोग हैं उन लोग को रखा जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग को आश्वासन के माध्यम से हम लोग धरना को ख़त्म किए, उसी दरमियान में हम लोग का हर जिला में बहाली निकाल दिया जा रहा है। तो बात इसमें इतना समस्या आ जा रहा है मैडम कि हम लोग परेशान हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमारा जो MLA है, एक दो MLA हमारा विधानसभा क्षेत्र में बात को उठाया था विधानसभा में, तो विधानसभा में जब उठाया गया तो मैं, हमारा पेयजल स्वच्छता विभाग का जो मंत्री है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जितना भी जो पुराने कर्मचारी लोग हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, और उसके जगह में मतलब उसी लोग को यथावत रखा जाएगा। लेकिन विधानसभा जो हमारा जो संवैधानिक जगह है, वहाँ पर इस तरह से गलत तरीके से गोलमटोल करके गुमराह करके जो दिया जाता है, तो मैडम उस परिस्थिति में यहाँ के जनता लोग के ऊपर में भरोसा उड़ जाता है। अब उस परिस्थिति में अभी ऐसा है कि यहाँ पर काम करने वाला लोग का किसी का उम्र खत्म हो गया है, तो मैडम वो लोग कहीं पे अप्लाई करने योग्य नहीं रहेगा, तो उस परिस्थिति में वो कहाँ जाएगा, उनका बाल बच्चा सब रास्ता में आ जाएगा। और हम लोग के यहाँ पे कुल टोटल हम लोग 522 हम लोग कर्मचारी लोग हैं, जिसमें से आधा का आधा पूरा एज उम्र खत्म हो गया है। तो ये स्थिति हमारा झारखंड सरकार की है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पष्ट चिट्ठी में जिक्र किया हुआ है, उसमें साफ बोला गया है कि जो पहले से कार्यरत कर्मचारी है उसको यथावत रखते हुए, उसके अलावे जो वैकेंट सीट खाली रहता है उसके लिए बहाली किया जाए। लेकिन यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि सारे पुराने कर्मचारी को हटा के फिर से न्यू वैकेंसी निकाल दिया जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति हम लोग कहाँ जाएंगे। मैम आपका क्या कहना है? बस हमें कि फेज 2 में हम लोग को रख लिया जाए, और हमें कोई मांग नहीं है, न हमें मानदेय वृद्धि की मांग है और न कुछ मांग है, बस हम लोग एक ही मांग है कि किसी भी हाल में हम लोग को फेज 2 में रख लिया जाए, स्वच्छ भारत मिशन जो है फेज 2 उसमें रख लिया जाए बस। लोबिन हेमरम जी आपसे मिले, क्या बात हुआ? बात हुई कि ठीक है, हम अपना सदन अभी जो चल रहा है उस सदन में भी बात रखेंगे, और सरकार से भी बात हम लोग करेंगे, और यथासंभव हम लोग जो भी आगे कार्रवाई होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग साल से अभी लगातार कर रहे हैं, और हट जाए, हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएँगे। मिशन के कर्मी पिछले 44 दिन से, एक माह पहले ही हम लोग स्थगित किए थे बंधु तिर्की के आश्वासन पे, कि उन लोगों ने कहा था कि समायोजन की बात चलेगी, लेकिन वो भी फेल हो गया, और हम लोग का उम्र भी ख़त्म हो रहा है। और वो कर्मी जो है स्वच्छ भारत मिशन के, वो 15 साल से भी काम कर रहे हैं, को 8 साल से भी काम कर रहे हैं, तो सरकार से सीधा सीधा हम लोग का यही मांग है कि भाई उनका समायोजन किसी तरह से किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की भी एक चिट्ठी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पूर्व से कार्यरत कर्मी है को यथावत रखते हुए यदि अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उसको आप ले सकते हैं। लेकिन यह सरकार जो है, जो कार्य कर रही है कर्मी उसे का हटा कर जो है जिलावार जो है वैकेंसी निकाल दे रही है, जो हम लोग के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपके माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं, सरकार के साथ ये बात पहुँचे कि हम लोग को समायोजन किया जाए। तो आपने देखा कि इनके पास लोबिन हेमरम जी भी पहुँचे इनसे मिलने, और इनका भी क्या कहना है, क्या चर्चा हुई, इनका क्या कहना है, आपने सब सुना। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।